प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर नजर आने वाला यह हर्फ है अलिफ। यह अलिफ की शक्ल है और अलिफ की आवाज है अ अ। अब यहां पर हमें नजर आने वाली तस्वीरों को देखना है, उनके नाम बताना है और तस्वीर के नाम की पहली आवाज को बताना है। यहां पर नजर आने वाली पहली तस्वीर है अखबार की। लफ्ज अखबार की पहली आवाज है अ। यहां अ के गिर्द दायरा बनाया गया है। यह अलिफ की शक्ल है। प्यारे बच्चों, अखबार को अंग्रेजी में न्यूज़पेपर कहते हैं। यहां दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा है अंडा। बताओ तो अंडे की पहली आवाज कौन सी होगी? जी हां, अ की। यहां अ के गिर्द दायरा बनाया गया है। यह अलिफ की शक्ल है। और प्यारे बच्चों, अंडे को अंग्रेजी में एक कहा जाता है। अब स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखो। यह है अदरक। अदरक की पहली आवाज है अ की। अ के गिर्द दायरा बनाया गया है। यह अलिफ की शक्ल है। प्यारे बच्चों, अदरक को अंग्रेजी में जिंजर कहते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब एक मश्क हल करते हैं जिसमें अ की आवाज के गिर्द दायरा बनाना है। यह है अ की शक्ल। पहली मिसाल में अनाज इस लफ्ज में अ के गिर्द दायरा बनाया गया है। उसी तरह आपको बाकी अल्फाज में अ की आवाज को पहचान कर अ की आवाज के गिर्द दायरा बनाना है। यहां दूसरा लफ्ज है अंजीर। अंजीर में पहली आवाज है अ की, तो यहां अ के गिर्द दायरा बनाएंगे। तीसरा लफ्ज है अनार। अनार में पहली आवाज है अ की, यहां अ के गिर्द भी दायरा बनाएंगे। चौथा लफ्ज है अलमारी। अलमारी की पहली आवाज कौन सी है? जी हां, अ। अ के गिर्द हम दायरा बनाएंगे। पांचवा लफ्ज है अजान। अजान इस लफ्ज की पहली आवाज है अ की, यहां हम अ के गिर्द दायरा बनाएंगे। अब आखिरी लफ्ज है अचार। अचार इस लफ्ज की पहली आवाज कौन सी है? जी हां, पहली आवाज है अ की, यहां अ के गिर्द दायरा बनाएंगे। इस तरह प्यारे बच्चों, आपने हर्फ अलिफ की आवाज और उसकी शक्ल को शनाख्त करना सीख लिया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।